जे अनिल प्रेम धना करुणा प्रचुर हे ना प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर कहाँ मोरा स्वरूप रूपा कहाँ सनातन कहाँ दास रघु नाथ पतित पावन कहाँ मोरा भट योगा कहाँ कबीरा एक काले को था गेला गोरा नटराज पाषाणे कूटिबो माथा आनले पशिबो गौरंगा गुनेरानिधि कोथा गेले पाबो से सब संगीरा संगे जे कोई लो बिलास से संग न पाइया कंदे न रोतमो दास तय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिब्रज काचार्य स्तोत्र सच्ची श्रीमद यजमान ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्रील बलदेव विद्याभूषण तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय श्री गंगा पूजा की जय श्रीमती गंगा माता गोस्वामिनी आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय गौर प्रेमानंद।
All glory to the assembled devotees. Hare Krishna. All glory to the assembled devotees. Hare Krishna. All glory to Sri Guru and Guru. Om Ajnanatimrandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurul Militam Yena Tasmai Shri Gurave Nama Shri Chaitanya Manobhishram Sabitam Yena Bhutale Soyam Rupa Gadamayam Dadati Sapadantikam Vanchakalpadarubhyascha Kripasindubhya evacha Patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namah Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shrivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. तो आज तीन उत्सव हैं श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण जी का तिरुभाव दिवस, गंगा माता गोस्वामी का आविर्भाव और श्री गंगा पूजा. गंगा पूजा मतलब गंगा जी का आविर्भाव हुआ आज के दिन पृथ्वी में. गंगा जी का आविर्भाव हुआ था आज के दिन पृथ्वी में, सुमेरु पर्वत में गिरी थी. तो आज के दिन गंगा जी सुमेरु पर्वत में गिरी. तो आज हम लेकिन विशेष चर्चा करने वाले हैं श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण के बारे में और थोड़ा बहुत गंगा माता गोस्वामी के बारे में. गंगा माता गोस्वामी का संक्षिप्त वर्णन मिलता है. राजा नरेश नारायण की सुपुत्री थी, उनका नाम था शची देवी और बचपन से ही बहुत बड़ी भक्त थी, भगवान की अनन्य भक्त थी. और उनके पिता की मृत्यु के बाद राज्य का कार्यभार उन्होंने संभाला, लेकिन कुछ समय के बाद बहुत विरक्त हो गई वो, क्योंकि दिन प्रतिदिन उनका आकर्षण बढ़ने लगा भगवान से. तो फिर उन्होंने राज्य त्याग दिया और वृंदावन चली गई. त्यक्त्वा तूर्णमशेष मंडलपति श्रेणीं सदा तुच्छवत. तो फिर वृंदावन गई और वहां पे हरिदास पंडित गोविंद देव जी की सेवा में रत थे और बहुत उच्च कोटि के वैष्णव थे. उनका आश्रय लिया उन्होंने और उनके आश्रय में रहकर भजन करना प्रारंभ किया और पूरे ब्रज में वो भ्रमण करती थी एक विरक्त वैष्णव के भांति. और राधाकुंड में उनकी मुलाकात हुई थी लक्ष्मी प्रिया जी से. लक्ष्मी प्रिया जी ये हरिदास ठाकुर, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की शिष्या थी और वो 300,000 नाम लेती थी. तो उनके सानिध्य में, उनके संगति में रहकर शची देवी ने भी 300,000 नाम लेना शुरू कर दिया. 192 माला, 192 राउंड्स. और उसके बाद फिर बाद में अपने गुरुदेव की आज्ञा से वो नीलाचल चले गए और नीलाचल में जगन्नाथ जी का दर्शन उन्होंने किया और वहां पे सार्वभौम भट्टाचार्य के घर गए. सार्वभौम भट्टाचार्य तो नहीं थे उस समय, क्योंकि जितने भी परिकर थे महाप्रभु के, वो सबका अतिरोध भाव हो चुका था, अप्रकट हो चुके थे वो सब नीत लीला में प्रवेश कर चुके थे. लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य के घर का पुनरुत्थान किया और वहां पे श्यामा राय के विग्रह की सेवा वो करते थे. तो एक दिन उनकी बड़ी इच्छा हुई, गंगा सागर मेला का दिन था तो गंगा सागर मेला मैं भाग लेना चाहती थी, लेकिन किसी बार कारणवश वहां से जा नहीं सकते थे. तो जगन्नाथ जी के चरणों से गंगा जी निकल गई और जगन्नाथ जी के चरणों से गंगा जी निकली और सार्वभौम भट्टाचार्य के घर तक पहुंच गई वो गंगा जी. और उन्होंने देखा, अरे गंगा जी ये कहां से पानी आया है. तो जगन्नाथ जी के चरणों से गंगा जी निकली और सार्वभौम भट्टाचार्य के घर तक पहुंची और गंगा स्नान का उनको वहीं पे अवसर प्राप्त हो गया. लेकिन फिर क्या, गंगा जी के प्रभाव से फिर वापस गंगा जी के प्रभाव से जगन्नाथ जी के चरणों तक वो पहुंच गए और वहां पहुंची तो फिर पुजारी ने जब दर्शन खोला तो देखा वहां पर कोई महिला पहले से ही लेटी हुई है. तो उसने कहा कोई चोर है,
और उनको फिर जेल में डाल दिया गया। बाद में जगन्नाथ जी ने दर्शन दिया सपना में, सपने में आकर जो उड़ीसा के राजा थे उनके सपने में आए, और साथ में पुजारी के सपने में भी आए। उन्होंने कहा कि ये चोर नहीं है, बहुत बड़ी भक्त है मेरी, इनको तुरंत रिहा किया जाए। और राजा को आज्ञा दी भगवान ने, जगन्नाथ जी ने, कि गंगा माता गोस्वामी से दीक्षा लें। तो वास्तव में उनका नाम फिर गंगा माता गोस्वामी पड़ा इस तरह से, पहले उनका नाम शची देवी था। तो ये एक छोटा सा विवरण है गंगा माता गोस्वामी के बारे में। तो आज बहुत विशेष दिन है श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण का। श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण हमारे संप्रदाय में बहुत महत्वपूर्ण आचार्य हैं, और श्रील विश्वनाथ जी ठाकुर और श्रील बलदेव विद्याभूषण को संरक्षक बताया गया है। इन्होंने हमारे संप्रदाय की रक्षा की, श्री ब्रह्म मध्वा गौड़िया संप्रदाय की रक्षा करने का कार्यभार इनको सौंपा गया था श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण को। बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, नहीं तो हमारा संप्रदाय खतरे में था। तो जब जब खतरा होता है संप्रदाय को, तो कोई ना कोई आचार्य प्रकट होते हैं उस संप्रदाय की पुनः स्थापना करने के लिए। तो महाराज जय सिंह ने एक चिट्ठी भेजी थी श्रील विश्वनाथ जी ठाकुर को, और उससे पहले लेकिन और भी इसके ऊपर कई चर्चाएं हुई थी। ये बताया जाता है कि राधा गोपीनाथ मंदिर के महंत थे जिनका नाम श्याम चरण वर्मा, उनसे भी कुछ शास्त्रार्थ हुआ था, और उन्होंने भी फिर संकेत दिया था कुछ कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं परम भगवान श्री कृष्ण हैं और ये संप्रदाय प्रमाणिक है, लेकिन उनकी बातों को स्वीकार नहीं किया गया था। ये रामानंदी वैष्णव थे जो रामानुज संप्रदाय की एक शाखा है, उपशाखा है, उपखंड जिसको कहते हैं। तो उन्होंने चुनौती दी थी कि आप यहाँ पर राधा रानी की सेवा कर रहे हैं कृष्ण के साथ, तो ये कहाँ तक प्रमाणिक है और आपका संप्रदाय कहाँ तक प्रमाणिक है, ये गौड़िया संप्रदाय कहाँ से निकला है। पद्म पुराण में तो चार संप्रदाय का उल्लेख है केवल, श्री ब्रह्म रुद्र सनक वैष्णव क्षिति पावनहा चतुरस ते कलौ भव्य ही उत्कले पुरुषोत्तम, ऐसा पद्म पुराण में दिया है। तो ये चार संप्रदायों का उल्लेख है कि गौड़िया संप्रदाय कहां से आ गया। तो इस तरह से कई तरह की चुनौतियां थी। बलदेव विद्याभूषण तो वैसे तो दक्षिण भारत में थे, पहले उड़पी में थे, और मध्वा संप्रदाय के अंतर्गत रहकर उन्होंने कई सारे शास्त्रों का अध्ययन पहले से किया हुआ था, जैसे कि ब्रह्म सूत्र, बृहत भाष्य और दो अनुभाष्य, और शंकराचार्य का भाष्य, श्रीपाद रामानुजाचार्य का भाष्य, श्रीपाद भास्कराचार्य का भाष्य, श्रीपाद मध्वाचार्य का तो भाष्य पढ़ा ही था उन्होंने, और निम्बार्काचार्य का भी, श्रीपाद वल्लभाचार्य का भी, इन सब का भाष्य वो पढ़ चुके थे पहले से, और अनेकों टीकाओं का अध्ययन उन्होंने किया था। और उसके अलावा फिर आगे चलकर बहुत सारे ग्रंथों की रचना भी उन्होंने की थी, जैसे कि गोविंद भाष्य जिसकी हम चर्चा करेंगे आज, सिद्धांत रत्न, प्रमेय रत्नावली, और उनकी तत्व संदर्भ टीका भी है श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण की, जो कि प्रकाशित हो चुकी है हमारे संस्था में भी इस ग्रेस गोपी पुराण धर्मपुर के द्वारा। तो बाद में प्रमेय रत्नावली में फिर, क्योंकि यह भी एक प्रश्न उठा था कि चार संप्रदाय का वर्णन जो है पद्म पुराण में है, लेकिन ऐसा दिखता नहीं, पद्म पुराण में कहीं श्लोक नजर नहीं आ रहा। तो फिर उन्होंने प्रमाणित किया कि पद्म पुराण में यह श्लोक है, प्रमेय रत्नावली ग्रंथ को प्रकाशित किया और उसमें उल्लेख दिया कि ये श्लोक पद्म पुराण से ही है। आज भी कई लोग चुनौती देते हैं, क्योंकि आजकल जो पद्म पुराण उपलब्ध है वो संक्षिप्त पद्म पुराण है तो उसमें कई श्लोक ऐसे गायब है। तो प्रमेय रत्नावली में श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण ने इसका उल्लेख किया है कि ये श्लोक जो है पद्म पुराण का है। तो इस प्रकार बलदेव विद्याभूषण, फिर उसके बाद उस समय उनका नाम शायद दामोदर था, तो बलदेव विद्याभूषण वहां से निकले थे दक्षिण भारत से और जगन्नाथपुरी पहुंचे, और जगन्नाथपुरी में उनकी मुलाकात हुई थी राधा दामोदर दास गोस्वामी से, जो कि बहुत उच्च कोटि के गौड़िया वैष्णव थे, और उनसे उन्होंने फिर दीक्षा ग्रहण की श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण ने। और उसके बाद फिर उनको आदेश मिला अपने गुरुदेव के द्वारा कि आप वृंदावन जाइए और श्री विश्वनाथ चक्र ठाकुर की शरण लीजिए। तो श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण इस कारण से वो वृंदावन धाम में आए, और उस समय के सबसे प्रमुख गौड़िया वैष्णव आचार्य
श्रील विश्वनाथ चक्र ठाकुर से उनकी भेंट हुई, जो कि पूरे गौड़े वैष्णव समाज के आचार्य थे विश्वनाथ चक्र ठाकुर, और उनके पास रहकर उनकी सेवा की, और उनके पास रहकर भी उन्होंने भागवत श्रीमद् भागवतम का अध्ययन किया विशेष रूप से, और षट संदर्भ का भी अध्ययन किया उन्होंने जो कि जीव गोस्वामी के द्वारा लिखित। तो फिर ये चुनौती प्राप्त हुई थी, हमने बताया जैसे कि महाराज जय सिंह ने एक चिट्ठी लिखी विश्वनाथ चक्र ठाकुर को, क्योंकि उससे पहले जब हमने बताया कि महंत जो थे श्याम चरण वर्मा, ये इतने सफल नहीं हुए, जो कि गोपीनाथ मंदिर के महंत थे, ये इतने सफलता नहीं प्राप्त हुई इनको, और इस कारण से फिर ये प्रस्ताव रखा गया, ये चिट्ठी भेजी गई महाराज जय सिंह के द्वारा, किसको, विश्वनाथ चक्र ठाकुर को। तो विश्वनाथ चक्र ठाकुर को ये चिट्ठी मिली थी, और चिट्ठी में महाराज जय सिंह लिखते हैं, आपको रामानंदिया द्वारा की गई आलोचना की प्रतिक्रिया करनी चाहिए, जो रामानंदियों ने जो आलोचना की है उसकी प्रतिक्रिया आपको करनी चाहिए, और आप नहीं करेंगे प्रतिक्रिया तो फिर मैं मुझको विवश होकर क्या करना पड़ेगा, राधा रानी की जो सेवा है कृष्ण के साथ वो बंद करनी होगी, क्योंकि इसका विरोध उन्होंने किया है, उन्होंने आरोप लगाया है कि राधा रानी की सेवा कैसे हो सकती है, और उनका तो विवाह भी नहीं हुआ कृष्ण के साथ, तो इस तरह का वो आरोप लगा रहे थे। वो कह रहे रुक्मिणी जी की स्थापना हो सकती है, लेकिन राधा रानी की स्थापना विग्रह के रूप में ये तो ठीक नहीं लगता है हमें। तो इस तरह से कई तरह का विरोध हुआ था, और किस कई तरह की चुनौतियां दी गई थी, और ये चिट्ठी प्राप्त हुई, और विश्वनाथ चक्र ठाकुर की चिट्ठी मिली। विश्वनाथ चक्र ठाकुर समय बहुत वृद्ध हो चुके थे और दुर्बल हो चुके थे, बहुत कमजोर हो गए थे, उनके हाथ कांप रहे थे, चल भी नहीं पा रहे थे ठीक से। तो उन्होंने अपने शिष्य शिक्षा शिष्य श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण को बुलाया और उनको कहा कि आपको जयपुर जाना होगा, गलता में रामानंदी वैष्णव हैं, उन्होंने चुनौती दी है हमें, हमारा संप्रदाय खतरे में है, राधा रानी की सेवा कैसे हो सकती है कृष्ण के साथ, इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है हमारे ऊपर, और अगर हम जाकर इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे और अपने अपने विचार अगर नहीं प्रस्तुत करेंगे तो हमारा संप्रदाय फिर खतरे में होगा, राधा रानी की सेवा रुक जाएगी गोविंद देव जी के सामने। और इस तरह से बहुत बड़ी चुनौती थी। श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण के साथ उनके एक और शिष्य गए थे जिनका नाम था कृष्णदेव सार्वभौम, जो कि विश्वनाथ चक्र ठाकुर के शिष्य थे। तो ये दोनों ही गए थे, जयपुर गए और गलता गए थे। तो कृष्णदेव सार्वभौम और साथ में श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण ये गलता पहुंचे थे, और गलता में जब वहां पहुंचे तो फिर महाराज जय सिंह के सामने सभा बुलाई गई थी। एक तरफ रामानंदी वैष्णव थे और एक तरफ बलदेव विद्याभूषण थे, श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण थे, और बहुत उच्च कोटि के वैष्णव और विद्वान वैष्णव वहां पर एकत्र थे। ये कोई सामान्य चर्चा नहीं थी, बहुत बड़े बड़े विद्वान थे श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण, हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के बहुत बड़े विद्वान वैष्णव आचार्य रहे हैं, और श्रील विश्वनाथ चक्र ठाकुर का पूरा आशीर्वाद उनको मिला हुआ था। तो इस कारण से श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण वहां पहुंचे थे और रामानंदी वैष्णव के साथ ये चर्चा प्रारंभ हुई थी। तो रामानंदी जो वैष्णव थे उन्होंने कई तरह के आरोप लगाए थे, वो आरोप क्या क्या थे एक एक करके हम लोग उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो पहला क्या है, आप कहते हैं कि कृष्ण सभी अवतारों के स्रोत हैं। नहीं, पहले उन्होंने एक प्रश्न पूछा, समस्या यह है कि पद्म पुराण में तो केवल चार संप्रदाय हैं और आप किसी प्रमाणिक संप्रदाय से संबंधित नहीं, ये गौड़िया शब्द कहां से आ गया, गौड़िया संप्रदाय ये किसी शास्त्र में दिखता नहीं है, किसी शास्त्र में पाया नहीं जाता है। पद्म पुराण स्कंद पुराण में तो चार वैष्णव संप्रदायों का वर्णन है, आपका ये संप्रदाय कहां से निकल आया, इसलिए आपका संप्रदाय अगर प्रमाणिक नहीं है तो आपकी सेवा भी प्रमाणिक नहीं है, समझ रहे हैं आप, आपका अगर जो है संप्रदाय प्रमाणिक नहीं तो आपकी सेवाएं भी प्रमाणिक नहीं है, तो क्या भक्ति कर रहे हैं आप, तो ये तो भावुकता है। केवल शास्त्र आधार है, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम अकारतः न स सिद्धि में वाप नौती न सुखम न पराम गतिम, तो क्या आधार है आपका, क्या प्रमाण है। तो फिर बलदेव विद्याभूषण ने कहा कि 100 वर्षों से भी अधिक पूर्व कवि कर्णापूर्व ने गौर कर्णदेश दीपिका में ये उल्लेख दिया है और हमारे संप्रदाय की व्याख्या की है और ये बताया कि हमारा संप्रदाय का संबंध किस तरह से मध्वा संप्रदाय से है। गुरु परंपरा की पूरी सूची उपलब्ध है
इस ग्रंथ में गौर गणदेश दीपिका में। और सबसे बड़ा प्रमाण क्या है कि भगवान चैतन्य, श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं दीक्षा ग्रहण की श्रीपाद ईश्वरपुरी से, जो कि दीक्षित थे श्रीपाद माधवेंद्रपुरी से, और श्रीपाद माधवेंद्रपुरी ने दीक्षा ग्रहण की थी लक्ष्मीपति तीर्थ से, जो कि मध्वा संप्रदाय के ही एक वैष्णवाचार्य थे। तो ये प्रमाणिकता है। तो इस प्रकार बहुत सरलता से उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर दिया। अब दूसरा प्रश्न क्या था उनका, आप कहते हैं कि कृष्ण सभी अवतारों के स्रोत हैं परंतु परम भगवान तो नारायण है। तो श्री संप्रदाय में आज भी यही मानते हैं कि लक्ष्मी नारायण ही सर्वोच्च हैं, या परम भगवान श्री नारायण सभी अवतारों के स्रोत, और सभी अवतार जो हैं उनसे ही उत्पन्न हुए हैं। तो श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण ने नाना तर्क प्रस्तुत किए, ब्रह्म संहिता से, श्रीमद् भागवतम से, और कई शास्त्रों से, पुराणों से, ब्रह्म संहिता से उन्होंने उल्लेख दिया, ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, और भगवद्गीता से भी उल्लेख दिया, अहम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भावा समन्वितः। और उन्होंने बताया कि भगवान कृष्ण के 64 दिव्य गुण हैं, भगवान श्री नारायण के 60 दिव्य गुण हैं, और 4 विशेष अतिरिक्त गुण पाए जाते हैं भगवान श्री कृष्ण में, जो किसी में नहीं पाए जाते हैं, रूप माधुर्य, प्रेम माधुर्य, लीला माधुर्य और रूप माधुर्य। ये केवल भगवान श्री कृष्ण जो वृंदावन के हैं उन्हें में ही केवल ये गुण पाए जाते हैं। और तो और पहले चतुर्भुज विस्तार और द्वितीय चतुर्भुज विस्तार, उन दोनों के स्रोत यानी कि बलराम, भगवान बलराम, चतुर्भुज विस्तार, संकर्षण, वसुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, तो इस तरह से इन सबके स्रोत भगवान श्री कृष्ण हैं। और 3 पुरुष अवतार, गर्भोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु और कारणोदक्षाय विष्णु, इनके भी स्रोत कौन है, भगवान श्री कृष्ण है। और इन सबका वर्णन श्रीमद् भागवत में बड़े ही विस्तार से हुआ है। फिर रामानंदी संप्रदाय के वैष्णव ने प्रश्न किया, एक और प्रश्न किया, उन्होंने पूछा श्रीमती राधारानी की पूजा अर्चना कैसे आरंभ की आपने, उनका तो विवाह ही नहीं हुआ था कृष्ण से। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, और ये था सबसे बड़ा चिंता का विषय कि राधारानी की सेवा ना रुक जाए कृष्ण के साथ। तो फिर सराज से श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण ने फिर से शास्त्रों से उल्लेख दिया और प्रमाण दिया कि राधा रानी की सेवा किस तरह से प्रमाणिक है, राधा रानी की महिमा, उनके नामों के बारे में और उनकी सेवा के बारे में किस तरह से शास्त्रों में दिया गया है। तो उन्होंने एक एक करके श्लोक उदित करना शुरू किया, बृहद गौतमीय तंत्र से उन्होंने प्रमाण दिया और कहा, देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता सर्व लक्ष्मीमयी सर्व कांति सम्मोहिनी परा। वह द्वारका की सभी रानियां, ब्रज की सभी गोपियां तभी तथा सभी वैकुंठ लोगों की लक्ष्मियों के स्रोत हैं। श्रीमती राधारानी आदि लक्ष्मी हैं, सर्वी सर्व लक्ष्मीमयी सर्व कांति सम्मोहिनी परा, आदि लक्ष्मी हैं श्रीमती राधारानी। तो ये सबसे बड़ा प्रमाण है। नारद पंचरात्र में भी श्रीमती राधारानी के सहस्त्र नामों का वर्णन हुआ है। बाद हम देखते हैं कि हमारे परंपरा में भी ठाकुर भक्ति विनोद ने भी एक ग्रंथ प्रकाशित किया था, राधा सहस्त्र नाम, जिसमें श्रीमती राधारानी के 1000 नाम हैं और ये पाए जाते हैं नारद पंचरात्र में भी। और तो और भी ग्रंथों में भी, ऊर्ध्वामन तंत्र में भी स्वयं महादेव पार्वती जी को राधारानी के बारे में बता रहे हैं। और उन्होंने एक बहुत सुंदर स्तुति लिखी है जो कि वैष्णव समाज में बहुत प्रचलित है, जिसको राधा कृपा कटाक्ष कहा गया है। और उसमें बहुत सुंदर एक श्लोक आता है, मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी शमेश्वरी प्रमाण काननेश्वरी व्रजेश्वरी वजाधिपेशी राधिके नमोस्तुते। तो इस तरह से राधारानी के बारे में बहुत जगह उल्लेख मिलता है, और श्रीमद् भागवत में भी कई जगह पे उनके बारे में उल्लेख है, प्रत्यक्ष रूप में नहीं, अप्रत्यक्ष रूप में। और श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण ने बताया कि श्रीमती राधारानी किस भौतिक जगत की कोई साधारण स्त्री नहीं है, श्रीमती राधारानी भगवान कृष्ण की लादनी शक्ति है, उनकी अंतरंगा शक्ति है। और यह आवश्यक नहीं है कि कोई अपनी शक्ति से विवाह करे, उनकी अपनी शक्ति है, कोई अपनी शक्ति से विवाह करता है क्या, तो राधा रानी तो भगवान कृष्ण की शक्ति है,
और शक्ति से विवाह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार उन्होंने समझाया। और श्रीमद् भागवत में भी बहुत सुंदर व्याख्याएं गई हैं हमारे आचार्यों की टीकाओं में, ये बताया गया कि जिस तरह से जब ब्रह्मा जी ने ग्वालों को और बछड़ों को चुरा लिया ब्रह्म लीला में, तो उसमें क्या कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने उस समय उभु अपना विस्तार किया था बछड़ों के रूप में और ग्वालों के रूप में। और उसके बाद फिर जब एक वर्ष हो गया तो ब्रह्मा जी ने आके देखा, क्या देखा कि पहले से वहां पर है, उन्होंने चुराया है लेकिन कृष्ण ने अपना विस्तार कर लिया। ब्रह्मा जी समझ गए थे कि वास्तव में, पहले तो चकित हुए, मोहित हो गए देखकर, लेकिन धीरे धीरे वो समझे कि वास्तव में भगवान ने ही अपना विस्तार किया था ग्वालों और बछड़ों के रूप में। और ये ग्वाले और बछड़े लगभग एक साल के अपने घरों में गए थे जो स्वयं कृष्ण थे ग्वालों के रूप में और बछड़ों के रूप में। और उस वर्ष क्या हुआ था, गर्गाचार्य ने घोषणा की थी, क्या घोषणा की थी उन्होंने कि ये साल बड़ा ही पवित्र है, ये साल जो है बड़ा पवित्र है, शुभ है, इस साल आप सब ब्रजवासी क्या करें, अपनी बेटियों का विवाह करें। और सबका विवाह हुआ, और जिन सबका विवाह हुआ ग्वालों से वो कौन थे, श्री कृष्ण ही थे। तो इस तरह से उन गोपियों में एक गोपी कौन थी, श्रीमती राधा रानी थी। और इसके अलावा श्रीमद् भागवत में भी उल्लेख मिलता है, दसवां अध्याय दसम स्कंध भागवत का 30वां अध्याय और 28वां श्लोक, अन्याराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरा यन्नो विहाय गोविंदः प्रीतोयम् अन्यद्रहा। इस विशेष गोपी ने निश्चित ही सर्वशक्तिमान भगवान गोविंद की पूरी तरह पूजा की होगी, क्योंकि वह उसे इतने प्रसन्न हो गए थे कि उन्होंने हम सबों को छोड़ दिया और उसे एकांत स्थान में ले गए। तो फिर बलदेव विद्याभूषण ने कहा कि आप प्रश्न पूछेंगे, राधा रानी का नाम प्रत्यक्ष रूप से क्यों नहीं दिया गया श्रीमद् भागवत में, इस श्लोक में राधा रानी का नाम कहां आता है? तो उन्होंने कहा अन्य आराधितो नूनम, ये राधा रानी को ही संकेत देता है। और तो और इसका कारण क्या है कि राधा रानी का नाम नहीं लिया सुखदेव गोस्वामी ने, तो राधा रानी का वर्णन जो है ब्रह्म वैवर्त पुराण स्कंद पुराण में इस प्रकार से मिलता है, और उसमें ये व्याख्या मिलती है, ये श्लोक उच्चारण वहां पर बताया गया है कि राधा नाम मंत्रेण मूर्छा सन्मासिकी भवेत्र उच्चरे मस्पष्टम परीक्षित हित कृण मुनि। क्या मतलब है इसका कि सुखदेव गोस्वामी अगर राधा रानी के नाम का उच्चारण करते तो क्या होता, उनको लीला का स्मरण होता और वे राधा प्रेम से अवचिष्ठित होते, उत्तेजित होते और कृष्ण की सेवा में उनकी लीलाओं कार्यकलापों के स्मरण में मग्न हो जाते, और फिर कथा नहीं हो पाती और परीक्षित महाराज के पास केवल 7 दिन का समय था। और यही बात सनातन गोस्वामी भरत भागवतामृत में बता रहे हैं, और यही बात शिलजी गोस्वामी गोपाल चंपू में भी बता रहे हैं। इस कारण से उन्होंने राधा रानी का प्रत्यक्ष रूप से नाम ले लिया, नहीं तो हमारे आचार्यों ने विश्वनाथ जी ठाकुर और कई आचार्यों ने कई श्लोकों में बताया है कि ये राधा रानी है, ये राधा रानी है, ये राधा रानी के द्वारा बोला गया है। तो इस प्रकार उन्होंने फिर प्रमाणित कर दिया कि श्रीमती राधा रानी की सेवा जो है वो प्रमाणिक है और उनका नाम, उनकी महिमा का गान किया गया है शास्त्रों में। उसके बाद रामानंदी वैष्णव ने और चुनौती दी, उन्होंने कहा कि लक्ष्मीपति तो तीर्थ थे, तीर्थ सन्यासी थे, सन्यास के कई नाम होते हैं वैष्णव संप्रदाय में, 108 नाम है, उसमें से एक नाम है तीर्थ। तो लक्ष्मीपति तीर्थ थे लेकिन श्रीपाद माधवेंद्र पुरी ने उनसे अगर दीक्षा ली है तो पूरी कैसे हो गए? तो कई तरह की चुनौतियां थी कि वो छोड़ने वाले नहीं थे इतनी आसानी से, उनके पास भी बहुत सारे तर्क वितर्क थे। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे कि हम लोगों को बहुत गहरा अध्ययन करना चाहिए इन ग्रंथों का, शास्त्रों का, क्योंकि इस तरह की चुनौतियां जब आती है तो हमें पता होना चाहिए कि इसका क्या कारण था, नहीं तो सोचेंगे लोग कि हम सब बेवकूफ हैं, केवल नाचते गाते हैं। तो ये इसका आधार, ये कारण क्या है? तो बलदेव विद्याभूषण ने समझाया कि वास्तव में किसी भी परंपरा का या संप्रदाय का आधार जो है वो सन्यास आश्रम से नहीं होता है, क्योंकि सन्यास तो एक आश्रम है, संप्रदाय की प्रमाणिकता होती है दीक्षा और शिक्षा के आधार पर। संप्रदाय की जो प्रमाणिकता है वो दीक्षा और शिक्षा के आधार पर होती है। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया था केशव भारती से, उनसे दीक्षा और शिक्षा नहीं ली थी। वैष्णव सिद्धांत में और दीक्षा मंत्र उन्होंने श्रीपाद ईश्वरपुरी से लिया, और इस कारण से चैतन्य महाप्रभु श्रीपाद ईश्वरपुरी का अनुसरण करते थे, केशव भारती का नहीं।
केशव भारती से, तो उन्होंने केवल संन्यास ग्रहण किया था। और श्रीपाद माधवेंद्रपुरी की बात जहां तक है, श्रीपाद माधवेंद्रपुरी ने संन्यास ग्रहण किया था विष्णुपुरी से। विष्णुपुरी का नाम आता है जिन सन्यासियों का उल्लेख किया गया है चैतन्य महाप्रभु के, जो नौ मूल सन्यासी बताए गए, नाइन रूट्स बताए गए हैं चैतन्य महाप्रभु के वृक्ष के, और उसमें से एक सन्यासी है जिनका नाम लिखा हुआ है चैतन्य चरितामृत में आदि लीला में, वो है विष्णुपुरी। तो ये विष्णुपुरी जो है मध्वा संप्रदाय से दीक्षित थे, लेकिन उन्होंने संन्यास लिया था शंकर संप्रदाय से। अब शंकराचार्य संप्रदाय से क्यों संन्यास ग्रहण किया करते थे? लोक विचार के कारण। समाज की स्थिति ऐसी थी कि गौड़िया वैष्णवों को इतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता था, उनके सन्यासियों को इतना गंभीरता से नहीं लिया जाता था। शंकराचार्य के जो सन्यासी थे, शंकर संप्रदाय के जो सन्यासी थे, उनका जो है बड़ा सम्मान था पूरे समाज में, उनको माना जाता था वास्तव में सन्यासी। तो इस कारण से समाज की परिस्थिति को समझते हुए चैतन्य महाप्रभु ने भी शंकर संप्रदाय से संन्यास ग्रहण किया, और श्रीपाद माधवेंद्रपुरी ने भी शंकर संप्रदाय से संन्यास, नहीं माधवेंद्रपुरी नहीं सॉरी श्रीपाद विष्णुपुरी ने भी शंकर संप्रदाय से संन्यास ग्रहण किया। लेकिन श्रीपाद माधवेंद्रपुरी ने संन्यास ग्रहण किया किससे? किससे? विष्णुपुरी से। लेकिन विष्णुपुरी ने शंकर संप्रदाय से संन्यास लिया, लेकिन दीक्षा ली थी उन्होंने मध्वा संप्रदाय से, इस कारण से वो पुरी माने जाते। तो पुरी जो है उनका वो संन्यास का टाइटल है। लेकिन संन्यास का हमने बताया कि संन्यास आश्रम आधार नहीं है संप्रदाय की प्रमाणिकता को स्थापित करने के लिए। संप्रदाय की प्रमाणिकता स्थापित होती है शिक्षा और दीक्षा के अनुसार, और दीक्षा में भी शिक्षा का महत्व है। एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजऋषयो विदुः। अगर आपने दीक्षा ले ली और शिक्षा का पालन नहीं किया तो संप्रदाय में रहते हुए भी आप क्या हैं? लुप्त हो गए हैं। इसलिए दीक्षा, अगर कोई दीक्षा गुरु आपके दीक्षा गुरु हैं तो दीक्षा गुरु का भी शिक्षा जो है, उनकी शिक्षाएं भी बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब छिन्न भिन्न हो गई, भगवान बोल रहे हैं सकाल नेह महता योग नष्ट परंतपा, तो छिन्न भिन्न परंपरा छिन्न भिन्न होने का मतलब क्या है? वो संप्रदाय की शिक्षाएं जो है वो छिन्न भिन्न हो गई, लुप्त हो गई। तो दीक्षा और शिक्षा के ऊपर आधारित है संप्रदाय की प्रमाणिकता। यहां तक हम देखते हैं कि स्वयं परम भगवान श्री कृष्ण ने सांदीपनि मुनि को अपना गुरु बनाया, भगवान श्री राम ने वशिष्ठ मुनि को अपना गुरु बनाया, और श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी दीक्षा ग्रहण की श्रीपाद ईश्वरपुरी से। तो संप्रदाय इस तरह से होता है, यानी कि कहने का मतलब है संप्रदाय की स्थापना स्वयं भगवान नहीं करते, संप्रदाय की स्थापना भगवान के भक्त करते हैं, आचार्य करते हैं, या उनकी शक्तियां करती हैं, जैसे कि लक्ष्मी जी, या फिर ब्रह्मा जी ने संप्रदाय की स्थापना की है, रुद्र ने, शिव जी ने संप्रदाय की स्थापना की है, या फिर आगे चलकर कलयुग में पुनः जो है वैष्णवाचार्यों ने संप्रदाय की पुनः स्थापना की है। तो कोई बोल सकता है कि चैतन्य महाप्रभु तो भगवान है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु भगवान है लेकिन वो भक्त के रूप में आए थे, और भक्त के रूप में आने पर क्या किया उन्होंने? उन्होंने श्रीपाद ईश्वरपुरी से दीक्षा ग्रहण की। तो इस तरह से ये हमारे संप्रदाय की प्रमाणिकता साबित होती है। और बाद में हम देखते हैं ठाकुर भक्ति विनोद, शील जीव गोस्वामी, शील गोपाल भट्ट गोस्वामी, शील कवि कर्णापुर, इन्होंने भी इस बात को प्रमाणित किया कि हमारा संप्रदाय का संबंध जो है वो क्या है? मध्वा संप्रदाय से। तो पूरी तरह से स्थापित हुआ है। और फिर रामानंद जी ने फिर चुनौती दी, फिर से चैलेंज किया उन्होंने, और कहा वेदांत सूत्र के ऊपर तो आपकी कोई टीका ही नहीं है। तो इसके लिए, इस कारण से आपका संप्रदाय प्रमाणिक नहीं माना जा सकता, क्योंकि जितने भी वैष्णव संप्रदाय हैं उन सबकी टीका है, आपकी टीका क्यों नहीं? तो इसका मतलब आप प्रमाणिक नहीं। तो बलदेव विद्याभूषण ने कहा कि इसकी आवश्यकता ही नहीं है, श्रीमद् भागवत जो है वो वेदांत सूत्र की स्वाभाविक टीका है, भाष्यानां ब्रह्म सूत्रानां। तो ये प्रमाणिक सीखा है श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भागवतम प्रमाणिक टीका है वेदांत सूत्र की, तो उसके लिए और आवश्यकता नहीं है। और दूसरी बात यह है कि मध्वाचार्य ने तो पहले से ही वेदांत सूत्र के ऊपर भाष्य दिया हुआ है।
और फिर उन्होंने फिर से चुनौती दी, उन्होंने कहा ऐसा है फिर भी आपको अचिंत भेद अभेद तत्व का समर्थन करते हुए, क्योंकि उन्होंने कहा कि मध्वा संप्रदाय मध्वाचार्य ने तो तत्ववाद की व्याख्या की है या द्वैतवाद की व्याख्या की है, लेकिन आप तो अचिंत भेद तत्व प्रस्तुत कर रहे हैं, इसलिए हम तो यही चाहेंगे कि अचिंत भेद तत्व भेद अभेद तत्व का समर्थन करते हुए तथा गोविंद देव जी की पूजा उपासना को नारायण सुनना स्थापित करते हुए आप वेदांत सूत्र के ऊपर भाष्य प्रस्तुत करें, नहीं तो हम नहीं मानने वाले आपको, क्या प्रमाणिक है। तो छोड़ा नहीं उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि आपको वेदांत सूत्र के ऊपर भाष्य लिखना ही होगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है महाराज जयसिंह से उन्होंने प्रार्थना की, उन्होंने कहा कि ठीक है अगर यही बात है तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि वेदांत सूत्र के ऊपर भाष्य प्रस्तुत किया जाए। तो ये बहुत बड़ी चुनौती थी और बहुत कम समय था, क्योंकि जल्द से जल्द नहीं करते वो वैष्णव संप्रदाय, सॉरी वेदांत सूत्र के ऊपर भाष्य नहीं प्रस्तुत करते तो फिर हमारे संप्रदाय की प्रमाणिकता समाप्त हो जाती। तो वो सीधा गोविंद देव जी के मंदिर गए और उन्होंने राधा गोविंद जी से प्रार्थना की कि क्या करूं मैं तो बहुत असहाय अवस्था में हूं। और उन्होंने महाराज जय सिंह के सामने बहुत कम समय मांगा था, कोई कहते हैं एक हफ्ता और कुछ कहते हैं एक महीना, तो जो भी समय उन्होंने मांगा था महाराज जय सिंह से, ओ जाके उन्होंने गोविंद देव जी से कहा कि गोविंद देव जी मैं क्या करूं, आज तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, मैंने बोल तो दिया उनको कि इतने कम समय में मैं कर दूंगा, लेकिन इसे संभव कैसे है, वेदांत सूत्र में तो बहुत 500 से अधिक सूत्र हैं और इतने कम समय में इसके ऊपर व्याख्या देना बहुत मुश्किल होगा। और उसके बाद फिर रात को गोविंद देव जी सपने में आए, जब बलदेव विद्याभूषण जी विश्राम कर रहे थे रात्रि के समय, गोविंद देव जी कहते हैं चिंता मत करो बलदेव, आप लिखना प्रारंभ करो, मैं आपको वेदांत सूत्र पर गौड़िया भाष्य संपन्न करने में सहायता करूंगा। और इस तरह से फिर बलदेव विद्याभूषण ने जो है वेदांत सूत्र के ऊपर भाष्य लिखना शुरू किया और बहुत कम समय में उन्होंने भाष्य पूरा किया। और उसके बाद फिर गोविंद भाष्य जब प्रकाशित हो गया था तो उस भाष्य के अंत में उन्होंने एक बहुत सुंदर बात लिखी, क्या लिखा उन्होंने, विद्या रूपम भूषणम ये प्रदाय ख्यातिम, यानी कि इस भाष्य को लिखने के बाद महाराज जय सिंह ने उनको उपाधि दी थी विद्याभूषण की, इस तरह से उनको विद्याभूषण की उपाधि प्राप्त हुई थी। और उन्होंने गीता के ऊपर भी टीका लिखी थी, उपनिषदों के ऊपर भी टीका लिखी थी और गीता को उन्होंने नाम दिया था गीता भूषण। तो इस कारण से जो है उनको नाम पड़ा, उनको उपाधि मिली थी विद्याभूषण की। और तो बलदेव विद्याभूषण उस ग्रंथ के अंत में लिखते हैं, अपनी कृपा वर्ष उन्होंने मेरे सपने में इस भाष्य को प्रकट किया, इस कारण इस भाष्य ने उन्नत पंडित वर्गों में विशेष सराहना प्राप्त की, फलस्वरूप मुझे विद्याभूषण की उपाधि प्राप्त हुई है, लेकिन वास्तव में सारा श्रेय गोविंद देव जी को जाता है, श्रीमती राधिका के प्राण प्रियतम उन गोविंद की सदा जय हो जय हो। और सरा से फिर गोविंद भाष्य जब लिख लिया था उन्होंने तो गोविंद भाष्य को लेकर महाराज जय सिंह के पास गए थे। तो महाराज जय सिंह के पास जब गए तो महाराज जय सिंह ने पूछा कि आपने वेदांत सूत्र के ऊपर भाष्य लिख लिया, तो उन रामानंदी वैष्णव को लगाकर इतने कम समय काम भाष्य लिखा होगा, उन्होंने वेदांत सूत्र के ऊपर भाष्य प्रस्तुत किया, ये देखिए भाष्य मेरा। अच्छा आपने लिखा ये भाष्य, बड़े आश्चर्य की बात है कि कम समय में आपने इतने सारे सूत्रों के ऊपर भाष्य लिख दिया। तो श्रीपाद बलदेव भूषण ने कहा कि वास्तव में मेरा भाष्य नहीं है। तो रामानंद वैष्णव का देखा इनका भाष्य नहीं है, ये इनका भाष्य नहीं है। तो श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण ने कहा कि गोविंद देव जी ने मुझे प्रेरणा दी, उन्होंने मुझे जो है वो लिखवाते गए, मैं लिखता गया, इसलिए ये मेरा भाष्य नहीं है, ये तो श्री गोविंद का भाष्य है। तो इसलिए श्री गोविंद भाष्य। तो इस तरह से फिर श्री गोविंद भाष्य और से महाराज जय सिंह ने सभा में सम्मानित किया और उन्होंने उनको सम्मानित किया और इस तरह से उनका नाम पड़ा था विद्याभूषण, श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण। तो इस प्रकार कई सारे तर्क वितर्क हुए थे, इसमें एक और तर्क भी प्रस्तुत किया गया था, जैसे हमने बताया कि मध्वा आचार्य ने तो तत्ववाद को प्रस्तुत किया, लेकिन अचिंत भेदा में तत्व कहां से आ गया,
अचिंत भेदावत, ये भी एक था उनका बहुत बड़ा, उनकी बहुत बड़ी चुनौती थी और चुनौती का सामना किया उन्होंने। और उन्होंने कहा कि इससे पता चलता है कि आप जो गौड़िया वैष्णव हैं वो मध्वाचार्य के तत्व दर्शन को स्वीकार ही नहीं करते हैं, आप तो अचिंत भेद अभेद तत्व की बात कर रहे हैं, ये कहां से निकला है। तो उन्होंने कहा ये बिल्कुल गलत है, ये तथ्य ही गलत है कि गौड़िया वैष्णव जो है सब श्रीपाद मध्वाचार्य के दर्शन को नहीं स्वीकार करते हैं। तो फिर उन्होंने जो है ये बताया, बाद में फिर बलदेव विद्याभूषण जब एक ग्रंथ लिखा था प्रमेय रत्नावली, तो उसमें उन्होंने बताया था कि किस तरह से मध्वा संप्रदाय को स्वीकार किया गया है गौड़िया वैष्णव के द्वारा, और मध्वाचार्य के जो नौ मूल सिद्धांत हैं जिसको प्रमेय कहते हैं, प्रमेय का मतलब क्या होता है, डॉक्ट्रिन्स है, ट्रुथ्स जो है, नाइन ट्रुथ्स, उसको किस तरह से गौड़िया वैष्णव ने स्वीकार किया है, और जिसकी व्याख्या पहले कर चुके हैं मध्वा संप्रदाय के आचार्य व्यास तीर्थ, और ये नौ सिद्धांत किस तरह से है कि भगवान विष्णु ही परम सत्य हैं जिनसे ऊंचा कोई नहीं है, वे वेदाधन वेदाध्यन द्वारा गे हैं, भौतिक संसार वास्तविक है, जीव भगवान विष्णु से भिन्न है, जीव की प्रकृति भगवान विष्णु के चरण कमलों की सेवा करना है, मुक्त व बद्ध दोनों अवस्थाओं में जीव उच्च व निम्न स्तरों पर स्थित है, मुक्ति का अर्थ निर्विशेष विलेना होकर भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति है, शुद्ध भक्तिमय सेवा द्वारा ही मुक्ति प्राप्त की जा सकती है, प्रत्यक्ष अनुभूति तर्क व वैदिक सत्ता वास्तविक ज्ञान के तीन स्रोत हैं। तो इस प्रकार ये नौ शिक्षाएं मध्वाचार्य की शिक्षाएं हम लोग स्वीकार करते हैं। और तो और महाप्रभु का भी ये आदेश था कि सभी गौड़िया वैष्णव श्रीपाद मध्वाचार्य दिए गए दिव्य उपदेशों का गुरु परंपरा के माध्यम से सावधानी पूर्वक पालन करें। तो ये नौ जो सिद्धांत है बड़े ही महत्वपूर्ण है। और बाद हम देखते हैं श्रील जी गोस्वामी ने जब षट संदर्भ लिखा उसमें कई जगह पर श्रीपाद मध्वाचार्य की टीकाओं का प्रस्तुत किया, और यहां तक कि उन्होंने श्रील रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को भी कहा कि ये तत्वविद उत्तमम है, यानी कि तत्व को भली भांति जानने वाले हैं श्रील रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी, और स्वयं श्रील जी गोस्वामी को भी हमारे संप्रदाय में तत्व आचार्य कहा गया है। तत्वाचार्य क्यों कहा गया है, क्योंकि उन्होंने श्रीपाद मध्वाचार्य के तत्ववाद को स्वीकार किया है अपने षट संदर्भ में। तो इस तरह से बहुत सारी बातें हैं, और इसके अलावा जो है ये एक और कारण ये था कि मध्वाचार्य का आने का सबसे बड़ा कारण क्या था, उनके प्रचार का जो मर्म यह था कि शंकराचार्य के मायावाद को खंडन करना, शंकराचार्य के मायावाद को खंडन करने के लिए उन्होंने जो है द्वैतवाद या तत्ववाद प्रस्तुत किया, वो उनका आशय था उस समय उसकी आवश्यकता थी, उस समय वो रस विचार प्रस्तुत नहीं कर सकते थे जो बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रस्तुत किया श्री रूप गोस्वामी को, उस समय जो आवश्यकता थी मायावाद का खंडन करने की, उस लिए उन्होंने केवल वो किया। इसका अर्थ ये नहीं है कि उन्होंने अचिंत भेद अभेद तत्व स्वीकार नहीं किया, बल्कि देखा जाए कि द्वैतवाद दर्शन प्रस्तुत करते करते साथ साथ उन्होंने यह भी बताया कई जगह पर कि वास्तव में भेद भी है और अभेद भी है। ये स्वयं श्रीपाद मध्वाचार्य ने श्रीमद् भागवतम की टीका लिखते हुए इसका वर्णन किया है, जैसे कि श्रीपाद मध्वाचार्य लिखते हैं भागवत का 11वां स्कंध 7वां अध्याय और श्लोक संख्या 51, इसमें श्रीपाद मध्वाचार्य लिखते हैं जिसमें अचिंत भेद अभेद तत्व सिद्धांत प्रस्तुत किया है श्रीपाद मध्वाचार्य ने, लेकिन इसको उन्होंने प्रकाशित नहीं किया बहुत बड़े स्तर पर, क्योंकि उस समय क्या आवश्यकता थी, शंकराचार्य के मायावाद को खंडित करना। और क्या लिखते हैं, गुण व उनके आधार सर्वथा भिन्न है, परंतु भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि वे अपनी अचिंत शक्ति में एकीकृत हैं। परम भगवान की उस अचिंत शक्ति के कारण जीवात्माओं के आध्यात्मिक रूप एवं भौतिक प्रकृति से उनके संबंध में समानताएं व असमानताएं हैं, अचिंत भेदाभेद तत्व, क्योंकि यह विदित है कि दोनों संबंधों का अस्तित्व है। तो समानता भी है और असमानता भी है, भेद भी है और अभेद भी है, इस तरह से मध्वाचार्य लिख रहे हैं श्रीमद् भागवतम की टीका में। लेकिन उसको उन्होंने बहुत अधिक प्रकाशित नहीं किया, क्योंकि जैसे हमने बताया कि उस समय आवश्यकता क्या थी, शंकराचार्य के मायावाद का खंडन करना, इसलिए केवल उन्होंने द्वैतवाद पे ज्यादा जो है जोर दिया। तो इस प्रकार ये कई सारे विचार हैं, और
और रही बात की कि श्रीपाद माधवेंद्र श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण को श्री गोविंद भाष्य लिखने की क्या आवश्यकता थी, इसका एक और कारण यह है, जबकि मध्वा संप्रदाय ये भी कई लोग प्रश्न करते हैं कि मध्वाचार्य ने टीका अगर दे दी है, अगर वो प्रमाणिक है तो और टीका देने की क्या आवश्यकता थी श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण को। वो बात तो सही है कि उन्होंने चुनौती दी रामानंदी वैष्णव ने, इस वजह से भी उन्होंने टीका प्रस्तुत की, लेकिन अब अगर बड़े गौर से देखा जाए वेदांत सूत्र पर मध्वाचार्य की टीका को संपूर्ण या विस्तृत कहा गया है, फिर भी उनकी परंपरा में कई आचार्यों ने श्रीपाद मध्वाचार्य के कारों पर टिप्पणी दी है। कुछ उत्कृष्ट उदाहरण श्रीपाद जयतीर्थ के हैं जिन्होंने मध्व की वेदांत सूत्र भाष्य पर तत्प्रकाशी का टीका लिखी है, श्रीपाद राघवेंद्र तीर्थ ने मध्वाचार्य के अनुभाष्य पर टीका लिखी है। वास्तव में श्रीपाद मध्वाचार्य के प्रत्येक कार्य पर उनकी वंशावली के आचार्य ने टीका दी, जैसे श्रील रूप गोस्वामी का ग्रंथ है भक्ति रसामृत सिंधु, उनका ग्रंथ है उज्ज्वल नीलमणि और बहुत सारे सारे ग्रंथ हैं, उन सब ग्रंथों के ऊपर टीका किसने दी, विश्वनाथ चक्र ठाकुर ने दी। भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ के ऊपर टीका दी श्रील जी गोस्वामी ने, श्रील विश्वनाथ चक्र ठाकुर ने, उज्ज्वल नीलमणि के ऊपर टीका दी श्रील विश्वनाथ चक्र ठाकुर ने। तो ये टीकाएं क्यों दी जाती है, उन टीकाओं को और अच्छी तरीके से समझाने के, इसलिए भक्ति वेदांत तात्पर्य हमें प्राप्त होता है। तो जैसे जैसे समय देश काल पात्र बदलता है उन टीकाओं को वर्तमान स्थिति के अनुसार प्रस्तुत किया जाता है, वर्तमान परिस्थिति के अनुसार उन्हीं टीकाओं को, इसलिए गोस्वामी ग्रंथों में जो दिया गया है या पूर्ववर्ती आचार्यों ने जो टीकाएं दी हैं उसको श्रील प्रभुपाद ने बहुत सरल तरीके से प्रस्तुत किया अपने भक्ति वेदांत तात्पर्य में, तो वही टीकाएं हैं लेकिन उसको प्रस्तुत किया ताकि आज की पीढ़ी जो है, आज की युवा पीढ़ी जो भक्त बनना चाह रहे हैं उन्हीं शिक्षाओं को ठीक से समझ सके, अच्छी तरीके से समझ सके। जैसे प्रभुपाद ने से पूछा किसी भक्त ने कि प्रभुपाद आप गोस्वामी लिटरेचर्स भी ट्रांसलेट करेंगे, तो प्रभुपाद ने कहा इट विल टेक 100 ईयर्स फॉर यू टू अंडरस्टैंड गोस्वामी लिटरेचर्स। प्रभुपाद ने बोला ही, प्रभुपाद देख रहे थे कोई गोस्वामी लिटरेचर देख रहे थे संस्कृत में, तो तब किसी शिष्य ने पूछा था कि प्रभुपाद आप ये गोस्वामी लिटरेचर भी ट्रांसलेट करेंगे, तो प्रभुपाद ने कहा आपको 100 साल लग जाएंगे गोस्वामी ग्रंथ समझने के लिए। तो इसलिए उन गोस्वामी ग्रंथों को ही समझाया प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य के माध्यम से बहुत सरल भाषा में, इसलिए प्रभुपाद की भाषा सरल है इसका अर्थ यह मत समझेगा कि सिद्धांत भी सरल है, सिद्धांत वही है जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्य ने दिया, बोलते ना ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल। तो इसी तरह से पूर्ववर्ती आचार्यों की जो शिक्षाएं हैं उसको बहुत सरल तरीके से प्रस्तुत किया है आज के परिवेश में, आज के समाज की स्थिति के अनुसार, ताकि हम लोग उसको बहुत अच्छी तरीके से समझ सके। आज की प्रभुपाद जी के तात्पर्य आज भी पढ़ते हैं, जो हमने पढ़ा था आज से कई वर्षों पहले जब शुरू में आए थे और आज हम पढ़ते हैं तो आज भी ये लागू होता है प्रभुपाद जी के तात्पर्य। इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि मेरी जो किताबें हैं अगले 10,000 वर्षों तक चलेंगी और 10,000 साल तक भी आप पढ़ते रहेंगे प्रभुपाद जी के तात्पर्य, तो ऐसा लगेगा कि प्रभुपाद आज के परिवेश के अनुसार बोल रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद जी के तात्पर्य इतने महत्वपूर्ण हैं, तो उसमें पूर्ववर्ती आचार्यों की शिक्षाएं भी आ जाती हैं और आज के परिवेश के अनुसार जो स्थिति है समाज की उसके अनुसार भी हमें शिक्षा प्राप्त हो जाती है, और इस कारण से क्या होता है हमारा मन स्थिर हो जाता है भगवान के चरणों में। तो इस प्रकार बहुत सारी बातें हैं। तो श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण का आतिर्भाव है, इन्होंने हमारे संप्रदाय की रक्षा की और इस कारण से हम लोग यहाँ विराजमान हैं इन पूर्ववर्ती आचार्यों के कारण। और फिर बाद में देखते हैं 19वीं शताब्दी में ठाकुर भक्तिनोद आए थे जब, तो भक्तिनोद ठाकुर ने भी यही देखा कि हमारा संप्रदाय फिर से खतरे में, पहले तो प्रमाणिक वैष्णव संप्रदायों ने जो है चुनौती दी थी, लेकिन आज फिर क्या हुआ चुनौती प्राप्त हुई और अब संप्रदायों से चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में है ऐसा कहते थे वो लोग, 13 प्रकार के अप संप्रदायों को पता लगाया भक्तिनोद ठाकुर ने उड़ीसा और बंगाल में, आउल बाउल सखी बेखी चूड़ाधारी दारावेश साई जात गोसाई और बहुत सारे ऐसे अटीवाड़ी, बहुत सारे गौरांग नागरी, बहुत सारे अपर संप्रदाय, लगभग 13 अपर संप्रदाय को ढूंढ निकाला उन्होंने उड़ीसा और बंगाल में। और उस समय यह हालत थी कि गौड़िया वैष्णवों को देखकर लोग हंसते थे, बोलते अरे ये गौड़िया वैष्णव ये तो सेक्स रिलीजन है, क्योंकि ऐसी हालत हो गई थी, लोग जो है लेते थे बाबा जी वेश लेकिन साथ में वो दासी भी रखते थे। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु की जो परंपरा है यानी कि जो ब्रह्म मध्वा गौड़िया संप्रदाय है
वो एक तरह से लुप्त होने लगी थी। और इसी समय ठाकुर भक्ति विनोद आए थे और उन्होंने पुनः स्थापना की इस संप्रदाय की, श्री ब्रह्म मध्वा गौड़िया संप्रदाय की पुनः स्थापना की वासना भक्ति विनोद ठाकुर ने, नहीं तो ये पूरी तरह से लुप्त हो जाता और चारों तरफ केवल अब संप्रदाय होते। कल को एक आए थे, भक्त आए थे हमारे पास, कौन थे वो आप में से, कौन है? मेदिनीपुर बंगाल से कल आए थे हमारे पास, पलाश प्रभु का है। तो पलाश प्रभु आए थे, वो बोल रहे थे, हमने पूछा आप कहाँ से हो, उनका इंटरव्यू ले रहे थे हम दीक्षा के लिए, तो उन्होंने कहा कि मैं मेदिनीपुर से हूँ। मैंने पूछा कि आप जानते हैं मेदिनीपुर को, बोलते नहीं। 1868 में भक्तिनो ठाकुर उसी मेदिनीपुर में रहते थे जब वो गृहस्थ आश्रम में थे और वहाँ शायद मजिस्ट्रेट थे या पता नहीं, तो नहीं शायद पहले उसके पहले शायद हेडमास्टर थे या कुछ थे। तो भक्तिनो ठाकुर चेतना चरतामृत ग्रंथ वहां प्राप्त हुआ था उनको 1868 में। 8 साल लगातार उन्होंने तलाश किया इस ग्रंथ को, वो ग्रंथ मिल ही नहीं रहा था, चेतना चरतामृत ग्रंथ ही नहीं मिल रहा था, और उनको प्राप्त हुआ ये मेदिनीपुर में। तो भक्तिनो ठाकुर ने बहुत मेहनत की और इस ग्रंथ के ऊपर फिर भाष्य लिखा, अमृत प्रभा भाष्य। बाद में उनके सुपुत्र शिल भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने भी गौड़िया भाष्य दिया और बाद में शिल प्रभुपाद जी ने हमें प्रस्तुत किया अंग्रेजी भाषा। तो इस तरह से संप्रदाय की रक्षा करते हैं, तो ये सब अनर्थ है संप्रदाय के। इसलिए भक्तिनो ठाकुर से जब प्रश्न पूछा गया कि व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ एन आचार्य, तो उन्होंने जानते क्या बोला, द ड्यूटी ऑफ एन आचार्य इज टू रिमूव द अनर्थस फ्रॉम द संप्रदाय। एक तो होता है अनर्थ हम अपना रिमूव करते हैं, लेकिन जो आचार्य होते हैं वो संप्रदायों के अनर्थ को दूर करते हैं। तो संप्रदाय के अनर्थ यही है कि आप संप्रदाय कभी घुस जाते हैं, कभी कोई चुनौती देता है, कभी सिद्धांत को ठीक से प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो आचार्य गण आते हैं और वो पुनः साबित करते हैं, जिस तरह से भगवान कृष्ण आते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सुजाम्यहम्। इसलिए कई बार सुनने को मिलता है कि ये चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय पांचवा संप्रदाय नहीं है, गलत है, चार ही संप्रदाय है। और गौड़िया शब्द क्यों आया, क्योंकि गौड़ देश में इसका प्रचार हुआ, चैतन्य महाप्रभु ने इसका प्रचार किया गौड़ देश में, इसलिए वहां के जो वैष्णव हैं वो गौड़िया कहलाए और उड़िया वैष्णव, उड़ीसा में जो वैष्णव थे उड़िया कहलाए। तो इस तरह से ये नाम पड़ा गौड़िया, अन्यथा नाम तो वही है। तो इस तरह से ये श्री ब्रह्म मध्वा गौड़िया संप्रदाय के नाम से ये परंपरा जानी जाती है। और आज श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से पूरे विश्व भर में इसकी स्थापना हो गई है। प्रभुपाद से एक बार प्रश्न पूछा था, व्हाट इज योर मिशन, तो प्रभुपाद ने कहा माई मिशन इज टू री एस्टैब्लिश द ब्रह्म संप्रदाय ऑल ओवर द वर्ल्ड। फिर प्रभुपाद ने कहा, यह उन्होंने बताया था आत्म तत्व प्रभु ने, फिर उन्होंने बताया कि सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने पूरे पृथ्वी में भगवान के मंदिर बनाए थे, भगवान विष्णु को स्थापित किया था पूरे पृथ्वी में। तो प्रभुपाद ने कहा जहां जहां ब्रह्मा जी ने मंदिर बनाए थे वहीं पे मैं भी मंदिर बना रहा हूं पूरे पृथ्वी में। सो दिस इज आवर संप्रदाय। और प्रभुपाद जी के भी बहुत सारे कोट्स हैं जिससे प्रभुपाद ने ये क्लियरली मेंशन किया है कि किस तरह से हमारा संप्रदाय कनेक्टेड है। यहां तक श्रील प्रभुपाद एक जगह बोल रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया है, चैतन्य महाप्रभु ने चारों वैष्णव संप्रदाय का सार प्रस्तुत किया है। He has given the essence of all the four Vaishnava Sampraday, right? बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप PhD कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है जो आपने ग्रेजुएशन किया या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है वो सब बेकार यूजलेस। अगर पूर्व आचार्यों ने उस समय की परिस्थिति के अनुसार केवल अगर मायावाद का खंडन किया और रस तत्व का विचार प्रस्तुत नहीं किया, इसका अर्थ ये नहीं है कि चैतन्य महाप्रभु ने तत्ववाद को स्वीकार नहीं किया। जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत गए और रयुवर्य से बोले, जो कि मध्वा संप्रदाय के आचार्य थे, कि आपके संप्रदाय में मैं देख रहा हूं कि दो विकार आ गए हैं, एक कर्म का और ज्ञान का, ये दोनों चिन्ह मुझे नजर आ रहे हैं आपके संप्रदाय में। तो कई लोग ये भी बोलते हैं, भाई आपका संप्रदाय बोला इसका मतलब हमारा संप्रदाय अलग है। नहीं, आपका संप्रदाय इसलिए बोला महाप्रभु ने क्योंकि उस समय मध्वा संप्रदाय के उस तत्ववाद सेक्शन में ये विकृति आ गई थी कर्म और ज्ञान की। तो उस कर्म और ज्ञान की विकृति की निवृत्ति करने के लिए चैतन्य महाप्रभु पहुंचे थे उड़पी, इसलिए नहीं पहुंचे थे कि वो कहने के लिए कि हम आपके संप्रदाय में नहीं। और चैतन्य महाप्रभु सुचारू रूप से दो मूल सिद्धांत स्वीकार किए मध्वा संप्रदाय के, उस पर
उसको और प्रकाशित किया, एक तो मायावाद का खंडन और दूसरा शिव विग्रह की स्थापना, शिव विग्रह की सेवा। और बाद में श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर को भी देखिए, श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने भी यही बोला कि मैं आया था यहां पर श्रील रूप गोस्वामी की शिक्षाओं को प्रस्तुत करने के लिए, लेकिन क्या करूं मैं, मेरा पूरा जीवन तो मायावाद के जंगल को काटने में बीत गया। तो ये है, तो आचार्य देखते हैं कि समाज की परिस्थिति क्या है, वो आते तो हैं बहुत कुछ देने के लिए, लेकिन देखते हैं अरे परिस्थिति तो बहुत गंभीर है, ऐसा नहीं है तो अभी तो ये लोग नहीं समझ पाएंगे रसतत्व वगैरह, तो अभी भी मुझे मायावाद का जंगल ही काटना पड़ेगा। और प्रभुपाद भी जब अमेरिका जा रहे थे तो प्रभुपाद यहां निकलने से पहले भक्ति चारू महाराज बता रहे थे कि प्रभुपाद ने यह विचार किया था कि अमेरिका जाकर मैं क्या करूंगा, वहां जाकर मैं केवल ब्रह्मचारी और सन्यासी बनाऊंगा, प्रभुपाद जी का विचार यह था। लेकिन जब प्रभुपाद पहली बार जब न्यूयॉर्क पहुंचे, वहां की स्थिति देखी, तो प्रभुपाद ने विचार बदल दिया। प्रभुपाद ने क्या किया, वहां जाके विवाह किया, करवाया, सबका विवाह कराया प्रभुपाद ने। तो ये इसलिए आचार्य जो है बड़े एक्सपर्ट होते हैं, देश काल पात्र के अनुसार वो शिक्षाओं को प्रस्तुत करते हैं, सिद्धांत को प्रस्तुत करते हैं, ताकि समाज का हर वर्ग और समाज के हर व्यक्ति जो है इस सिद्धांत को स्वीकार कर सके और अपने आप को कृष्ण भावना भावित बना सके। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो आज जो बलदेव विद्याभूषण का तिरुभाव दिवस है, साल में एक ही दिन आता है कि हम उनको याद करें, क्योंकि उनका हमारे वैष्णव कैलेंडर में आविर्भाव नहीं है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। और प्रभुपाद ने भी जो भगवद गीता यथारूप लिखी है तो उसको जो है समर्पण किया है, शिला विद्या बलदेव विद्याभूषण को ही समर्पित किया है, क्योंकि बलदेव विद्याभूषण ने जैसे ये गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना के लिए, सुरक्षा के लिए इस भाष्य को लिखा था, उसी प्रकार से प्रभुपाद ने भी भगवद गीता का जो है जो भाष्य लिखा है, जो तात्पर्य लिखा है, तो ये भी जो है इसी संप्रदाय की रक्षा के लिए है, और विशेष रूप से भगवान के संदेश को सामान्य लोगों तक पहुंचाने के लिए किया है। और हम सब भक्तों का भी जो है यही कार्य है कि अगर कुछ चुनौती आए आपके सामने तो आप जो है उसको जो है आप सामना करिए। तो कई बार जो है गौड़ी मठ के साथ में भी जो है हम लोगों को कुछ विवाद हो जाता है, और गौड़ी मठ वाले जो है कुछ आरोप लगाते हैं कि प्रभुपाद ने जो है सामान्य शिक्षाएं दी हैं और हमें गोपी भाव पाने के लिए हमें जो है और आगे बढ़ना चाहिए, प्रभुपाद से आगे हमें बढ़ना चाहिए, तो इनका भी जो है हमें सामना करना चाहिए, इनका भी उत्तर जो है देने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए कि प्रभुपाद के ग्रंथों में पूर्णता है, उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं, सब कुछ मिलता है, तो इस तरह से हमें भी तैयार रहना चाहिए। और आज गंगा पूजा का जो दिन है तो गंगा जी का आज आविर्भाव हुआ, और गंगा माता गोस्वामिनी का भी आविर्भाव, दोनों आविर्भाव आज हुए हैं। तो गंगा जी जो है इस पृथ्वी पर जब उतरी थी तो महाराज भगीरथ ने बहुत प्रयास किया था, और उनके प्रयास से चूँकि गंगा जी आईं तो इसलिए उसको भगीरथ प्रयास कहा जाता है। किसी कार्य को अगर आप करते हैं और उसमें बहुत परिश्रम करते हैं तो वो जो है उसको भगीरथ प्रयास कहा जाता है। तो भगीरथ ने जो है गंगा जी को लाया इस पृथ्वी पर, और गंगा जी का बहुत बड़ा गुण है, कलियुग में कहा जाता है कि गंगा स्नान और हरिनाम कीर्तन, ये दो कार्य ऐसे हैं जो निश्चित रूप से फल देने वाले हैं कलियुग में, और दूसरे कार्यों में संदेह है कि फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, संदेह है। गंगा स्नान और हरिनाम कीर्तन, तो एक हरिनाम की भी एक गंगा है, तो प्रभुपाद ने जो हरिनाम की गंगा बहाई उसके लिए भगीरथ प्रयत्न किया। तो प्रभुपाद ने जो है मतलब कितना प्रयास किया, कितना मतलब यात्रा की, और कितने जो है उन्होंने लोगों को भक्त बनाए, प्रशिक्षण दिया, और कितने लोगों को जो है इस तरह से मतलब जोड़ा, इस हरे कृष्ण आंदोलन में जोड़ा। तो प्रभुपाद का भी जो प्रयास है वो भगीरथ प्रयास है, तो प्रभुपाद एक दूसरे भगीरथ हैं, और उन्होंने हरि नाम की जो गंगा है वो कहाँ कहाँ बहाई, गंगा जी का तो बहुत सीमित स्थान है, हर जगह गंगा जी नहीं मिलती, लेकिन हरि नाम की जो गंगा है हर जगह प्राप्त होती है। तो प्रभुपाद का जो कार्य, प्रभुपाद का जो कार्य है वो बहुत बड़ा कार्य है। हरे कृष्ण। हरे सुन, जयपता का स्वामी महाराज ने बड़ा बड़ा अच्छा बताया था, वो कह रहे थे कि अगर 5 बार गंगा जी का नाम आप उच्चारण करते हैं तो गंगा स्नान का आपको लाभ मिलेगा।
पांच बार मायापुर में बताया था, तो पांच बार आप सब बोलिएगा तो गंगा स्नान का लाभ मिल जाएगा आज के दिन। बोलिए गंगा 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 गंगा, जय हो गंगा माई की।